हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दी बैक दी वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू द प्लम्बिंग वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, वॉल हैंगिंग टॉयलेट को एलएन की फास्टनर के साथ कैसे फिटिंग करें, पूरा डिटेल में बताएं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। और यार, चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों का अपना ही चैनल, आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो यार चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉयलेट पड़ा हुआ है एलएन की फास्टनर के साथ में बिखरा पड़ा हुआ है। तो पहले लेवल जो है इसका नापी निकालना है। तो पाइप का नापी कितना कटिंग करना है, नहीं करना है वो निकालना है। वो कैसे निकालना है देख सकते हो, ऐसा आरी ब्लेड या स्टिक या पाठिया वगैरह कुछ भी हो, ये टाइल्स का लेवल है, ठीक है। ये जो टॉयलेट का लेवल है ये टाइल्स का लेवल है, तो उसी से आरी ब्लेड बिठा के अंदर ही अंदर नापी ले लेना है, ठीक है। जो कितना इंच मेरा पाइप लगने वाला है, तो यहाँ पे जितना इंच लगेगा उतना रख के बाकी का कटिंग कर देना है। देख सकते हो वहाँ पे 102 इंच कम है, 4 इंच का पाइप जो मार्किंग लिया था, अभी इसमें कटिंग कर देना है। तो ऊपर का भी पाइप काट देना है। और ऊपर का जो ये पाइप है ये यूपीवीसी का पाइप है, अंदर जो एल्बो लगा उसमें सॉल्यूशन देके मैं पहले से लगा रखा था, तो अभी सॉल्यूशन देने का कोई ज़रूरत नहीं। और 4 इंच का जो पाइप है उसमें भी वाइसर देके लगा रखा था। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ऐसा साफ सफाई कर लेना है पाइप के आजू बाजू। और मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 4 इंच का पाइप है उसके नीचे गैप है, जो उसमें सीमेंट फिलिंग नहीं है, तो उसमें सीमेंट फिलिंग करना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी इनकेस आपका लीकेज हो जाएगा तो अपना टाइल पावर के नीचे फ्लोर में जाएगा। फ्लोर में से पानी कहीं से भी लीकेज होता है, ऐसा नीचे कोई भी जगह में फिर लीकेज चालू हो जाएगा, सलिया पकड़ के पानी चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो ये सब जगह में आपको सीमेंट का फिलिंग कर देना है। और नल वगैरह कुछ भी लगाते हो, सीमेंट लगाओ, नहीं तो सिलिकॉन लगाओ चारों साइड। नल का जो ब्रास हेल्बर रहता है उसका चारों साइड सिलिकॉन, नहीं तो सीमेंट, आप कुछ भी लगा के उसको फिलिंग करोगे, उसके बाद में नल वगैरह लगाओगे तो अच्छा रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं सीमेंट फिलिंग कर दिया हूँ पूरा कंप्लीट। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे टॉयलेट फिटिंग करके देख लेना है। यहाँ पे आपने जो पाइप कटा हुआ है वो सही है या गलत है वो भी देखने को मिल जाएगा। और इसका मेज़रमेंट भी मैं कर लेता हूँ। हाँ, ये बराबर है। अभी इसमें बबल लेवल बिठा के चेक कर लेना है, बबल लेवल में आड़ा टेढ़ा देख लेना है। और बबल लेवल को उल्टा सीधा करके बिठा के देख लेना, क्योंकि बबल लेवल भी कभी कभी ख़राब आता है, ऐसा उल्टा करके भी एक बार बिठा के देख लेना है। ये सही है, बबल लेवल सेंटर में आ गया। उसके बाद में उसको छोड़ देना है। उसके बाद में क्या करना है, टॉयलेट के चारों साइड आपको मार्किंग से मार्कर पेन या पेंसिल पेन किसी से भी आपको मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने से क्या प्रॉफिट होता है, जो एलिंग की फास्टनर का सेंटर निकालने में बहुत इजी हो जाता है। और हाँ, और एक बात मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आपका भाई आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पेज यूट्यूब हर जगह में फैला पड़ा हुआ है यार। आके इंस्टाग्राम में फॉलो करो, फेसबुक पेज पे फॉलो करो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन के ऊपर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एलएन की फास्टनर का जो सेंटर निकालना है बहुत इजी है, देख सकते हो। बबल लेवल ऐसा बिठाना है, और बबल लेवल का बबल जैसे ही सेंटर में आएगा तो वहाँ पे मार्किंग कर देना है। देख सकते हो आड़ा बबल लेवल का, वहाँ पे वो बबल जो है पूरा सेंटर में है, और इसका मार्किंग कर देना है। अभी मार्किंग हो गया, ये देख सकते हो नीचे का जो है ये 106 इंच में है सेंटर, और ऊपर जो मैंने मार्किंग किया वो भी 106 इंच में सेंटर है। फाइनली इसका सेंटर निकल गया। अभी टॉयलेट को निकाल लेना है, और यहाँ पे ही सबसे इम्पोर्टेंट है ये मार्किंग करने के लिए, मार्किंग बहुत क्लियर हुआ है फ्रेंड्स। वॉल हैंगिंग टॉयलेट का मार्किंग लेते टाइम जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो एलिंग की फास्टनर है, ये जितना आप टाइट करोगे ऊपर से एलिंग की, उतना आपका टॉयलेट जो है वो खींच के दीवार की तरफ बिठा देगा। यहाँ पे देख सकते हो ये अप डाउन सिस्टम दिया गया, और ये भी जो है आपका ड्रिल लेफ्ट राइट आड़ा टेढ़ा हो जाए थोड़ा बहुत, तो ये जो है फास्टनर का थोड़ा बड़ा दिया गया है तो एडजस्ट करने के लिए रहेगा। आपको क्या करना है, एक काम करना है, जो ये अप डाउन नहीं करना है, ये पूरा प्रॉपर माप आपको निकालना है इसका। देख सकते हो मैं अभी एलिंग की टाइट करके मैं इसका प्रॉपर माप निकालूंगा और प्रॉपर जगह में ही होल करूंगा ड्रिल का, ताकि मेरा टॉयलेट फिक्स बैठ जाए। ऊपर नीचे अगर हो जाएगा तो आपका ये जो इसमें जो अपना फास्टनर है उसमें आपका टॉयलेट उसके ऊपर नहीं रहेगा, तो क्या है, मजबूत नहीं होगा।
देख सकते हो ये अभी टाइट हो गया है, ये पूरा फिक्स टाइट हो गया है, हिल भी नहीं रहा है, पूरा का पूरा टाइट कर दिया भाई ने। और यहाँ पे देख सकते हो इसका सेंटर कितना है, 3 इंच सेंटर है। रैक बोल्ट जो फिटिंग होगा वो 3 इंच में फिटिंग होगा, ये टाइट नहीं किया गया है। ये देख सकते हो ये 3 इंच है, रैक बोल्ट पूरा 3 इंच में फिटिंग होने वाला है। ऊपर से जो है जो मार्किंग किया था अभी जो टॉयलेट का, उसका ऊपर से 3 इंच नीचे अपना रैक बोल्ट फिटिंग होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे जो है 3 इंच नीचे मैंने मार्किंग कर लिया हूँ, यहाँ पे 3 इंच नीचे मार्किंग कर लिया हूँ, इस साइड में भी 3 इंच मार्किंग कर लिया हूँ। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, बबल लेवल बिठा देना है। ये देख सकते हो ये 3 इंच है, प्रॉपर 3 इंच है, पूरा टॉयलेट के टॉप से रैक बोल्ट का सेंटर जो पूरा 3 इंच है। यहाँ पे 3 इंच में मार्किंग कर लिया हूँ, इधर भी 3 इंच में मार्किंग कर लिया हूँ। अभी आपको बबल लेवल ऐसे बिठा देने का है, बबल लेवल का जो बबल है सेंटर में जैसे ही आ जाएगा आपको एक मार्किंग कर देना है, मार्किंग कर देना है। और ऊपर जो है वो 1.25 इंच मैंने लिया था ऊपर, इसका सेंटर टू जो बबल लेवल बिठा के मार्किंग किया था वो 1.25 इंच था। ये देख सकते हो यहाँ कैमरा में 6 इंच दिख रहा है पर एक्चुअली में है 1.25 इंच सेंटर टू सेंटर, 1.25 इंच। आपको क्या करना है, बीच पाइप में से मार्किंग कर देना है और इधर 50% कर देना है 1.25 इंच का, और उधर 50% कर देना है 1.25 इंच का। देख सकते हो इधर 50% और इधर 50%। उसके बाद में आपको बबल लेवल बिठा देना है ऐसा, बबल लेवल का जैसे ही मैं आपको मार्किंग बताया था, ये देख सकते हो यहाँ पे बबल सेंटर में आ गया है। अभी एक मार्किंग इधर कर देना है और इधर एक मार्किंग कर देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्किंग जो है आपका वॉल हैंगिंग टॉयलेट में सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये दोनों सेंटर निकल गया अपना रैक बोल्ट का। पहले तो आपको क्या करना है, हल्का रब कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऐसा स्क्रैच कर देने से आपका ड्रिल फिसलेगा नहीं, ड्रिल जो है फिसल जाता है, या नहीं तो आपका कोर कटिंग पाना अगर है तो पहले आपको कोर कट कर देना पड़ेगा। जैसे इटालियन टाइल वगैरह होता है उसमें आपको पहले कोर कटिंग कर देना पड़ता है, ग्राइंडर मशीन में लगा के उसको कोर कटिंग कर देना पड़ता है टाइल को, उसके बाद में आपको ड्रिल करना पड़ता है। नहीं तो टाइल कोर इटालियन टाइल जो होता है वो कभी कभी क्रैक पड़ जाता है। देख सकते हो यहाँ पर ड्रिल हो रहा है, फ्रेंड्स। आजकल आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक के बटन को पेल के रख दो, नीला टाइप कर दो, ठोका पेटी करो, जैसे नीला आसमान देखने में कैसा खूबसूरत लगता है, ऐसे लाइक के बटन को आप पेल के अगर नीला टाइप कर दो तो बहुत खूबसूरत लगेगा आप लोगों की भी, और तुम्हारे भाई को एक सेटिस इन्फेक्शन मिल जाएगा। नहीं, सेटिस इन्फेक्शन नहीं, अभी कोरोना चल रहा है तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा तुम्हारे भाई को, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो सेटिस इन्फेक्शन चाहिए तुम्हारे भाई को। अभी देख सकते हो ये जो ग्रीप है, ग्रीप आपको फिटिंग कर देना, प्लास्टिक का ग्रीप लगाने का, लकड़ी वकड़ी मार देना नहीं। यहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक का ग्रीप ही मारना है, लकड़ी आप नहीं मार सकते। लकड़ी जो है वो आपका टॉयलेट के ऊपर से जो बाई चांस पानी वानी गिर के अगर कभी जाता है तो एक साल के अंदर अंदर वो लकड़ी डैमेज हो जाता है, तो आपको कभी भी लकड़ी नहीं मारना है, आपको ऐसे ही प्लास्टिक का ग्रीप लगाना है, प्लास्टिक का ग्रीप लगाना है। उसके बाद में आपको सिंगल नट में टाइट नहीं करना है, डबल नट पहना के आपको पकड़ हो, आप कुछ भी पाना हो आपके पास, जो आपके पास पाना अवेलेबल है वो पाना से टाइट कर देना है। उसके बाद में कैसे इजीली फिटिंग हो रहा है देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ नट जो है, जो बोल्ट है वो कितना जाना चाहिए, ये देख सकते हो। एरेक बोल्ट जो है यहाँ तक जाना चाहिए, थोड़ा अंदर हो जाएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी बाहर होगा तो ये नट जो है यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर टकरा जाएगा, तो थोड़ा सा अंदर रहेगा चलेगा, बाहर होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देख सकते हो भाई पूरा टाइट कर रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे, दो साइड में अभी टाइट हो गया बोल्ट। अभी लगा देने का है जो एलिंग की फास्टनर का जो सिस्टम आया है वो पूरा लगा देना है, फिटिंग कर देना है। देख सकते हो एक वाइसर है और एक नट है, इसको लेफ्ट राइट हम लोग इजीली ले सकते हैं क्योंकि उसमें सिस्टम दिया गया है जो लेफ़्ट राइट इधर उधर हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अप डाउन नहीं कर सकते। अप डाउन का जो आपको प्रॉपर लेना है, पूरा आपको जो मेज़रमेंट करना है अप डाउन का, वो प्रॉपर मेज़रमेंट करना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, नापी देख लेना है, देख सकते हो 1.25 इंच जो लिया था 1.25 इंच है, और बबल लेवल बिठा के
देख लेना है, बबल लेवल का जो सेंटर है वो भी देख लेना है एक बार। देख सकते हो बबल लेवल, वो जो भी इधर उधर जाएगा तो इधर उधर ले लेना है, सिर्फ अप डाउन नहीं करना है आपको। होल्ड करते समय पूरा प्रॉपर जगह में उसको होल्ड करना है, क्योंकि अप डाउन हो जाएगा तो फिर आपका टॉयलेट फिटिंग नहीं होगा। देख सकते हो जितना हो सके टाइट कर देना है प्रॉपरली। जोर लगा के हिस्सा, अभी क्या करना है देख सकते हो। ये जो है, ये जो एलिंकी फंसना है, ये जैसे जैसे टाइट होगा वो ऊपर उड़ते आएगा और आपका जो टॉयलेट है, जो कॉमोड है, वो दीवार में चिपक के बैठ जाएगा। तो अभी क्या करना है, अभी इसमें वाइसर लगा देना है, जो 4 इंच का पाइप में और 100 इंच का पाइप में वाइसर लगा देने हैं। मैं रेग बोल्ट फिटिंग करके मैं वो टेस्ट कर रहा था टॉयलेट चढ़ा कर, तो अभी ये मैं वाइसर लगा दिया हूँ। वाइसर में आपको थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगाना पड़ेगा, जो 4 इंच पाइप में इस्तेमाल होता है, वाइसर वाला 4 इंच पाइप में इस्तेमाल होता है, यह है लुब्रिकेंट। इसका इस्तेमाल करने से क्या है, थोड़ा स्लिप करके चला जाएगा तुरंत, नहीं तो फिर आपको बहुत सारा ताकत लगाना पड़ेगा। ऊपर नीचे करके थोड़ा थोड़ा लुब्रिकेंट लगा देना है। अभी लुब्रिकेंट फिटिंग हो गया, लगा दिया हूँ, अभी मैं टॉयलेट फिटिंग कर देता हूँ। ऑनियन मार्क सेट गो। अभी इतना है, थोड़ा सा मैं लात का इस्तेमाल करता हूँ। वाह, चला गया। और बाकी का जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो आप जैसे जैसे एलिंकी टूल से आप जैसे जैसे टाइट करते जाओगे वैसे वैसे वो दीवार में चिपकता जाएगा। ऑलरेडी तो चिपका हुआ है पर प्रॉपरली चिपक जाएगा। और जो अंदर का नीचे का जो नाट दिया गया है वो जैसे जैसे आप टाइट करोगे ऊपर उठता आएगा, मतलब कि नीचे का जो नाट है वो ऊपर उठता आएगा। यहाँ पे देख सकते हो इसमें प्लास्टिक का एक वाइसर दिया गया है और एक ब्रास का वाइसर दिया हुआ है, उसके बाद में एलिंकी टूल्स का नट दिया गया है। वो एलिंकी टूल्स का नट का जो ऊपर है वो अपना सीट कवर जो आएगा, सीट कवर का स्क्रू का होल भी उसमें दिया गया है। देख सकते हो जैसे आप टाइट करोगे वो फिक्स दीवार में बैठता जाएगा, टॉयलेट खींच के बैठ जाएगा, क्योंकि वो जो नट का सिस्टम दिया गया है नीचे का एलिंकी फास्टनर में, वो जैसे जैसे आप टाइट करोगे वो ऊपर उड़ता आएगा और दीवार में चिपक जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब कि दीवार का पकड़ बना के रखेगा दीवार में, कभी भी नीचे नहीं उतरेगा वो। जैसे जैसे आप टाइट करोगे वैसे वैसे दीवार में चिपक जाएगा। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। जितना लगे वो एलिंकी में जितना प्रॉपर टाइट लगे उतना आपको पूरा प्रॉपरली टाइट कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें भाई बैठ के चेक कर रहे हैं, आपको सिलिकॉन लगाना है टॉयलेट के चारों साइड, सिलिकॉन लगाना है पूरा प्रॉपरली, ताकि पानी कभी भी मतलब कि रेग बोल्ट तक ना जाए। रेग बोल्ट तक अगर जाता है तो ऐसे तो डैमेज का चांसेस नहीं है, पर डैमेज का मतलब कि कोई रिस्क नहीं लेना है, तो आपको सिलिकॉन लगा देना है। उसके बाद में आ गया सीट कवर भी हाइड्रोलिक सीट कवर है, बहुत ही फैंसी सीट कवर है, मुझे तो ये सीरीज सबसे पसंद आता है टॉयलेट सीट में। ये सीट कवर का देख सकते हो यहाँ पे दिया हो गया है एक ब्रास का, उस ढकना दिया गया है उसके ऊपर, और इसमें वाइसर और स्क्रू। मैं पहले भी आप लोगों को बोला था एलिंकी में होल दिया गया है अपना सीट कवर का स्क्रू टाइट करने के लिए, इसको टाइट कर देना है। आपको पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट करना है, ताकि आप जो सीट कवर है वो बिठा के आप चेक कर सको। यहाँ पे भी देख सकते हो ये अपना ब्रास का है और सामने वाला वो जो है प्लास्टिक का है, इसमें भी ऐसे ही सेम टाइट कर देना है आपको। पूरा दोनों का पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा बचा के रखना है, ताकि आप सीट कवर बिठा के फिट मतलब देख सकते हो कितना आगे पीछे लेना है नहीं लेना है, वो आप लोग इजीली देख सकते हो। सीट कवर के नीचे उसका की होल दिया गया है, जो सीट कवर बिठाने के साथ साथ में उस उधर पकड़ के मतलब क्लिक हो जाता है, चिपक जाता है उसमें।
देख सकते हो ये की होल दिया है, जैसे आप उसमें सीट कवर ऐसे बिठा देते हो वो चिपक जाता है उसमें, बस कंप्लीट चिपक गया। अभी इसको खोल के आपको क्या करना है, प्रॉपरली फिटिंग कर देना है। यहाँ पे अभी खोल लेना है बीच के बटन दबा के, बीच के बटन दबाते हो तो देख सकते हो इजीली कैसे खुल गया। अभी इसको निकाल के ये दोनों को टाइट कर देता हूँ प्रॉपरली। चलो दोनों प्रॉपरली टाइट हो गया, दोनों में प्लेट डाल देना है। चलो फिटिंग कंप्लीट, अभी इसमें सीट कवर बैठा देना है। ये देख सकते हो दो की होल कैसे दिया गया है, उसमें ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है, मतलब कि चिपक जाता है, जाके उसका प्रॉपर घाट में अटक जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा भाई टॉयलेट का फिटिंग कंप्लीट कर चुका है, और सामने देख सकते हो पूरा कंप्लीट है। कभी भी आपको टॉयलेट का सीट कवर खोलना हो तो बटन दिया गया है, बटन प्रेस करके इजीली आप लोग निकाल सकते हो और फिर ऑटोमेटिकली बिठा सकते हो। उसमें की होल भी दो दिया गया है। सीट कवर का जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कमेंट शेयर करो, आप लोग दोस्तों के साथ में शेयर करो, और इंसान इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है हमारा, तो वहाँ पे भी आप लोग आके मुझे फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को टॉयलेट के ऊपर मैं बैठ के दिखाता हूँ, पैर पूरा उठा के मैं बैठूँगा। ये बहुत ही मजबूत हो जाता है फ्रेंड्स ऐसे, अगर आप लोग टॉयलेट फिटिंग करते हो तो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया, फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।